राम और रावण का युद्ध किसी से छिपा नहीं है। सब जानते हैं कि राम और रावण का युद्ध कहां और किस लिए हुआ था, लेकिन अब राम और रावण एक साथ बैठे नजर आएंगे। दरअसल यह वह राम और रावण है जो 18वीं लोकसभा के चुनाव मैदान में उतरे थे और दोनों ने मैदान जीता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामायण सीरियल में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल और भीम आर्मी चीफ के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की। बताते चले कि धारावाहिक रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल यूपी की मेरठ लोकसभा सीट पर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। पहली बार राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने उतरे अरुण गोविल को सफलता मिली। हालांकि उनका मुकाबला काफी कांटे का रहा, लेकिन उतार चढ़ाव भरे मुकाबले में अरुण गोविल को 10,000 से अधिक मतों से विजयी घोषित किया गया। उन्होंने 5,46,469 वोट प्राप्त किए, जबकि सपा गठबंधन प्रत्याशी सुनीता वर्मा को 5,35,884 वोट मिले। इसी तरह आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण यूपी की नगीना लोकसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतरे थे। उन्होंने 1,51,000 वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के विधायक ओम कुमार को पराजित किया। हालांकि पहले आजाद को उनके सरनेम रावण से जाना जाता था, लेकिन 2019 के चुनाव से पहले उसे उन्होंने यह कहते हुए हटा दिया कि वह नहीं चाहते कि चुनाव राम और रावण के समर्थकों के बीच ध्रुवीकृत हो। बहरहाल जब भी उनके नाम की चर्चा होती है तो लोग अक्सर उनके नाम के साथ रावण शब्द लगा देते हैं। ऐसे में 18वीं लोकसभा में यूपी की मेरठ सीट से विजयी हुए धारावाहिक रामायण के राम और नगीना सीट से जीत दर्ज कराने वाले चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण एक साथ बैठे नजर आएंगे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।